पुणे विभागात रेल्वेची विविध कामे सुरू होणार असून ती प्रगतीपथावर असल्याने नागरिकांना याचा लवकर लाभ मिळेल. कोल्हापूर हा दुहेरी मार्ग आता पुणे लवकरच पूर्ण होणार असून तिथली रेल्वे वाहतूक अजून जोमाने सुरू होणार असल्याची माहिती पुणे रेल विभागीय व्यवस्थापक मिलिंद देवस्कर यांनी दिली आहे. केंद्र सरकारची गिव्ह इट अप योजना आता रेल्वेसाठी अंमलात येणार असून रेल्वेच्या तिकिटावर तिचा त्याग करण्याचं आवाहन रेल्वेतर्फे करण्यात आलंय. जवळजवळ 50% रेल्वेचं आर्थिक नुकसान कमी करण्यासह प्रवाशांना विविध सुविधा देण्याच्या दृष्टिकोनातून हे पाऊल उचलण्यात आलंय. वर्षभरापूर्वी NDA सरकार आल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी घरगुती वापराच्या गॅसवरील सबसिडीचा त्याग करण्याचं आवाहन जनतेला केलं होतं. या योजनेला चांगला प्रतिसाद लाभल्यानंतर सरकारनं रेल्वेवरील आर्थिक वाला हलका करण्याचा प्रयत्न केलाय. पुणे डिव्हिजन का 600 किलोमीटर का ट्रॅक है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रैक में जो ब्लास्ट रहता है वो बहुत ट्रेनें चलने के बाद वो ब्लास्ट की साइज़ छोटी होती जाती है और उसमें जो ट्रैक के पैरामीटर्स हैं वो बिगड़ जाते हैं और हर 10 साल में हमें ट्रैक को BCM मशीन के द्वारा उसको छानना है और नया ब्लास्ट डालना है. ये तो सबसे पहला काम है. उसके बाद हर 2 साल में हमें एक टैंपिंग मशीन आती है, उसमें टैंप करना रहता है. फिर उनकी फिटिंग्स को ठीक करना है, स्लीपर्स बदलने हैं, रेल बदलनी है. तो इन सब कामों में आप देख सकते हैं कि 600 किलोमीटर का ट्रैक है, आप देखेंगे कि 2 घंटे का बड़े मुश्किल से मार्जिन मिलता है और उस मार्जिन में काम करने में बहुत कम काम हो पाता है. अगर मुझे 8 घंटे और 10 घंटे के ऐसे मेगा ब्लॉक मिल जाएँ जो कि मैं ले नहीं सकता तो 2-2 घंटे में काम बहुत कम होता है. आप ये देखिए कि एक मैं रेल बदलता हूँ तो 2 वेल्डिंग लगती हैं, उसके लिए मुझे करीब 1.5-2 घंटे का ब्लॉक लगता है.